हेलो वेलकम। आज हम चेन सॉ के एल और एच स्क्रूज की एडजस्टमेंट देखेंगे, कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट। इस टाइप के कार्बोरेटर में एयर फ्लो कांस्टेंट रहता है, इसको हम खुद से चेंज नहीं कर सकते जैसे कि बाइक्स वगैरह में कर सकते हैं, और जैसे ब्रश कटर वगैरह में भी एयर फ्लो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और एल और एच स्क्रूज सिर्फ एल का मतलब लो, जो हमारी आइडल स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका फ्यूल कंट्रोल करने के लिए, और एच का मतलब जो हमारी हाई स्पीड है फुल थ्रॉटल पे, उसका कितना आरपीएम है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। तो हम और ये यहाँ पे आइडल एडजस्टमेंट स्क्रू है। तो अब हम शुरू से देखते हैं कि अब ट्यूनिंग कैसे करें अपने कार्बोरेटर की। जनरली इसका सिंपल सा फंडा है, जितना आप एल को टाइट करोगे उतना ज़्यादा फ्यूल जाएगा हमारी लो स्पीड में, आइडल स्पीड में, और जितना एच को टाइट करोगे तो उतना फ्यूल जाएगा हमारा, उतना ज़्यादा फ्यूल जाएगा हमारा हाई स्पीड में। तो अब हम इसकी ट्यूनिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको इन दोनों को फुली टाइट कर देना है जब जहाँ तक होते हैं, और उसके बाद दो एंटी क्लॉकवाइज टर्न देने हैं, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में टर्न घुमाने हैं। उसे 12 से 12, मतलब यहाँ पे 12 है, ये हमारे स्क्रू घुमाया, फिर से उधर ले आए, फिर से उधर ले आए, ये एच वाला भी फिर से उधर से गया, फिर से उधर लाया, दो एंटी क्लॉकवाइज टर्न दे दिए। फिर हमने इसको स्टार्ट करना है, चेक करेंगे स्टार्ट होता भी है, क्या दिक्कत आती है, आइडल स्पीड पे रन भी करता है या बंद हो जाता है, फिर उस हिसाब से आगे की एडजस्टमेंट होगी। स्टार्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा स्टार्ट, तो इसका मतलब हमारी एडजस्टमेंट थोड़ी गलत होगी। अब एल स्क्रू को थोड़ा ढीला करना है हमें स्टार्ट। अब मैंने इसको फिर से ढीला किया, अब देखते हैं स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा। अब स्टार्ट नहीं हो रहा, फिर बंद हो जा रहा है, तो थोड़ा सा और टाइट करेंगे, थोड़ा और फ्यूल जाने देंगे हम आइडलिंग के टाइम, थोड़ा फ्यूल और जाना चाहिए। तो मतलब इतना मिनिमम फ्यूल जिससे हमारा ये आइडल स्टार्ट पे स्टार्ट ही रहे। अभी थोड़ा और फ्यूल की कमी है, थोड़ा और फ्यूल जाने दिया जाए। अब इस चेन सॉ को इतना फ्यूल मिल चुका है कि ये स्टार्ट रहे, और आपने ध्यान रखना है कि इस थ्रोटल जो आइडल स्क्रू है उसको भी थोड़ा इतना टाइट रखना है, ज़्यादा भी नहीं रखना, भी जस्ट आइडल रहे, मतलब इंजन इतना अपने हिसाब से। और एल की सेटिंग अब हो चुकी है, लो स्पीड की सेटिंग हो चुकी है, इतना फ्यूल जा रहा है इंजन में, टू स्ट्रोक इंजन में, कि ये आइडल रह सके ढंग से। अब एच की सेटिंग की तरफ आते हैं। तो अब एच का मतलब हाई स्पीड में हमें कितना रन करना है, इसको कितने आरपीएम पे रन करना है। हम हाई स्पीड जितना टाइट करते जाएंगे एच वाले स्क्रू को, उतने ज़्यादा ये फुल थ्रॉटल पे भागता जाएगा, भागता जाएगा। हमें ध्यान ये इतना रखना है कि जनरली हमें आवाज़ का पता होता है, कितने आवाज़ करता है हमारा चेन सॉ मैक्सिमम आरपीएम पे। अगर हम उससे ज़्यादा आरपीएम रखेंगे तो इंजन के ब्लो आउट इंजन के ब्लो आउट होने के चांसेस है, क्योंकि ये अपनी लिमिट से ज़्यादा आरपीएम पे बढ़ जाएगा, लिमिट से ज़्यादा फ्यूल जाएगा इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा आरपीएम पे ये इसके चांसेस है डैमेज होने की। इंजन के चांसेस क्या होता ही है डैमेज अगर ज़्यादा देर तक उसको प्रीडिटरमाइंड आरपीएम से ज़्यादा चलाएं। तो इतने आरपीएम वैसे मेरे हिसाब से तो मिनिमम ही करें, ज़्यादा बढ़िया अगर आपका छोटा मोटा काम है तो, मतलब कम से कम ही रखें एच को। अब मैं एग्जांपल के लिए अपना एच स्क्रू है जो फुल टाइट कर देता हूँ, सॉरी एक टर्न टाइट कर दिया मैंने, अब देखते हैं फुल थ्रॉटल पे कितना भागता है। इतना भागा, अब मैं इसको एक टर्न का फिर से कम कर देता हूँ। अब इसकी आवाज का डिफरेंस देखना आप, आया ना थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा कम, अब थोड़ा कम आरपीएम पे भाग रहा है। अगर और एक टर्न कम करेंगे तो और कम आरपीएम पे भागेगा फुल थ्रॉटल में। तो अब इस हिसाब से आपको ट्यून करना है एल और एच की। एल का तो सिंपल सा है कि लो स्पीड पे अगर आइडल ठीक हो रहा है आपका तो उसको छोड़ दो। अब एच की तरफ देखो कितना आपको फुल स्पीड में, पर आपको इतना ज़्यादा फुल स्पीड नहीं रखना कि मतलब ये ब्लो आउट ही हो जाए इंजन। तो इसमें आपको अगर कई बार दिक्कत आती है कि आप एकदम एक्सीलेटर दबाते हो तो एकदम बंद हो जाता है इंजन, तो ये एच का इशू होता है, बहुत ज़्यादा तेल एकदम नहीं जा पाता इंजन में, एच को बहुत टाइट रखा होता है लोगों ने। तो उसको आपने एक दो टर्न कम कर देना, फिर देखना एकदम एकदम एक्सीलेटर देंगे तो एकदम बढ़िया चलेगा। तो इसकी 40 ml टोटी 1 लीटर में इसका आइडल रेशो माना जाता है अच्छी तरह से।
तो यही था, अगर आपका चेनसॉ एल और एच में कन्फ्यूजन था तो, और इस आइडल एडजस्टमेंट स्क्रू को भी अपने हिसाब से ट्यून करना है, मिनिमम से मिनिमम। हम मिनिमम से मिनिमम इसलिए रखेंगे ताकि फ्यूल जो है मिनिमम से मिनिमम बर्न हो, पर इतना भी मिनिमम ना हो कि इंजन भी लीन चले और ओवर हीट हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।